हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे PIC153-P में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। लेवल वन में जाने के लिए आपको सेट की प्रेस करना और अप की प्रेस करना है। एक बार लेवल वन आएगा आपका, अप की प्रेस करेंगे तो हाई अलार्म अभी हम लोगों ने यहाँ पे 50 सेट कर दिया है। मींस 50 के ऊपर अगर आपका प्रोसेस वैल्यू गया तो आपको डिस्प्ले पे हाई अलार्म का इंडिकेशन आएगा और आपका रिले एक्टिवेट हो जाएगा। अप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लो अलार्म आएगा, तो यहाँ पे आप लो अलार्म जो भी वैल्यू सेट करोगे अगर आपका प्रोसेस वैल्यू उसके नीचे है तो वहाँ पे आपको लो अलार्म का इंडिकेशन आएगा। फिर से आपकी प्रेस करेंगे तो हिस्टरेसिस आएगा। हिस्टरेसिस मीन्स हिस्टरेसिस होता है आपके रिले के ऑन ऑफ के बीच का डिफरेंस। आपकी प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा हिस्टरेसिस बायस, इसको आपको डिफॉल्ट रखना है 0। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका PDLY, PDLY मींस पावर ऑन डिले। आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 99.59 मिनट तक का सेट कर सकते हो पावर ऑन डिले के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्टार्ट टाइम डिले, यहाँ पे आप मैक्सिमम 99.59 तक का रिस्टार्ट टाइम डिले सेट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे 2 मिनट का रिस्टार्ट टाइम डिले सेट किया तो हमारा रिले तो सेट टेम्परेचर या फिर प्रोसेस वैल्यू पे कट ऑफ हो जाएगा, बट आपका रिले रिस्टार्ट नहीं होगा फॉर मिनिमम 2 मिनट्स इवन इफ द डिफरेंशियल इज अचीव्ड अर्लियर। नेक्स्ट पैरामीटर है AL-1 मीन्स आपका जो फर्स्ट आउटपुट है रिले वन, उसको आपको एज अ हाई अलार्म यूज करना है और एज अ लो अलार्म। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो अभी मैं यहाँ पे हाई अलार्म कर देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर है लैच, लैच आपको ऑफ रखना है। अगर आप यहाँ पे ऑन करोगे लैच को तो जो भी आपका डिस्प्ले पे एरर आएगा तो फिर उसके बाद आपको मैन्युअली यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऑफ ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है होल्ड, इसको आप डिफॉल्ट रखना है। अलार्म यहाँ पे एनेबल है। नेक्स्ट है अनाउंसिएटर, यहाँ पे आपका ऑफ है। अगर डिस्प्ले पे आपको अलार्म का इंडिकेशन शो करना है तो आप अनाउंसिएटर को ऑन करेंगे। सेट की प्रेस करके अप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेवल 2 आएगा। लेवल 1 एंड लेवल 2 के सारे पैरामीटर सेम है, डिफरेंस बस इतना है कि लेवल 1 आपका रिले 1 के लिए है और लेवल 2 आपका रिले 2 के लिए है। अभी यहाँ पे हाई अलार्म 4000 आ रहा है तो मैं यहाँ पे हाई अलार्म 60 कर देता हूँ। चेंज करने के लिए आपको सेट की प्रेस करके डाउन की प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे चेंज होगा डिजिट। शिफ्ट करने के लिए सेट की सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो अभी मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ। अप की प्रेस करेंगे तो लो अलार्म आएगा, लो अलार्म 1490 है। हिस्टरेसिस, हिस्टरेसिस बायस, पावर ऑन डिले, रिस्टार्ट टाइम डिले, अलार्म 2। यहाँ पे आप रिले 2 का कंडीशन सेट कर सकते हो, आपको रिले 2 एज अ हाई अलार्म यूज करना है या फिर एज अ लो अलार्म। तो यहाँ पे आप लो अलार्म और हाई अलार्म सेट कर सकते हो, तो अभी मैंने यहाँ पे हाई अलार्म कर दिया है। नेक्स्ट पैरामीटर है लैच, होल्ड, अनाउंसिएटर। लेवल 3 में जाने के लिए आपको सेट की प्रेस करना है और आपकी एक बार प्रेस करोगे तो आपका लेवल 3 आएगा। डिजिटल इनपुट, DIN मीन्स डिजिटल इनपुट, यहाँ पे डिफॉल्ट नन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो डिजिटल इनपुट कीज या फिर नन में। डिजिटल इनपुट मीन्स अगर आपको अलार्म को रिसेट करना है थ्रू डिजिटल इनपुट तो आप यहाँ पे की का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे NPN को यस करना पड़ेगा। तो अगर आप NPN यस करोगे तो जब भी आपका डिस्प्ले पे हाई अलार्म या लो अलार्म आएगा तो उसको आप डिजिटल इनपुट के थ्रू एक्नॉलेज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर है एनालॉग आउटपुट, यहाँ पे डिफॉल्ट एनालॉग आउटपुट 4 to 20 mA है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो 0 to 20 mA,
0 टू 5 वोल्ट और 0 टू 10 वोल्ट में, आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिट्रांसमिशन आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है मैनुअल। अगर आपको मैनुअल आउटपुट यूज करना है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अब की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर है एनालॉग लो आउटपुट। एनालॉग लो आउटपुट मीन्स जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करोगे, अगर आप उसके नीचे आपका प्रोसेस वैल्यू है तो आपको वहां पे मिनिमम आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका ADS-HI। ADS-HI मीन्स एनालॉग हाई आउटपुट। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू सेट करोगे उसके ऊपर आपका प्रोसेस वैल्यू गया तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है सेंसर। सेंसर ब्रेक कंडीशन में आपको हाई आउटपुट चाहिए मीन्स फुल आउटपुट चाहिए या लो आउटपुट चाहिए, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लो और हाई आउटपुट का सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है बायस। बायस अभी यहाँ पे जीरो है। अगर सेंसर के लोकेशन के वजह से डिस्प्ले पे वेरिएशन आ रहे हैं तो यहाँ पे आप बायस को एडजस्ट कर सकते हो प्लस और माइनस में। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका FTC, इसको आपको डिफॉल्ट रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका RND, इसको भी डिफॉल्ट रखना है। नेक्स्ट है स्टैंड, इसको भी डिफॉल्ट रखना है आपको। नेक्स्ट पैरामीटर है RSET। RSET मीन्स रिसेट। अगर आपको यूनिट को रिसेट करना है तो आपको यहाँ पे यस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्स यस करोगे रिसेट को तो आपका यूनिट फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, मीन्स जो भी आपने पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग में सेट किए हैं वो सारे डिलीट होके फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में जाएंगे। अब की प्रेस करेंगे तो आपका लेवल 3 आएगा। लेवल 4 में जाने के लिए आपको सेट की प्रेस करना है और अब की प्रेस करना है, एक बार आपका लेवल 4 आएगा। लेवल 4 में आपके सारे कम्युनिकेशन पैरामीटर, यहाँ पे आप बॉड रेट, एड्रेस, पैरिटी, स्टॉप बीट, ये सारे पैरामीटर सेट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए आपको अप एंड डाउन की 3 सेकंड प्रेस करना है। अभी हम लोग PID के थ्रू PIC को इनपुट देंगे 0 to 10 वोल्ट, तो PID के लेवल 4 में आ जाते हैं। यहाँ पे एनालॉग आउटपुट 0 to 10 वोल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हैंड आउटपुट परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 0 to 100% के बीच में, आप हैंड आउटपुट परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे 50% करता हूँ। 50% मीन्स 5 वोल्ट आउटपुट जाएगा PIC की इनपुट को। आप अभी डिस्प्ले पे देख सकते हो कि अलार्म ऑन का इंडिकेशन आ रहा है और अलार्म ऑन का LED भी ऑन है, क्योंकि हम लोगों ने लेवल 1 में हाई अलार्म 50 सेट किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे हैंड आउटपुट परसेंटेज इंक्रीज करूंगा। अलार्म 2 का भी LED ऑन है, क्योंकि लेवल 2 में हम लोगों ने हाई अलार्म को 60 सेट किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 100 मीन्स 10 वोल्ट फुल आउटपुट। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हैंड आउटपुट परसेंटेज हमारा 100% है यहाँ पे, और डिस्प्ले पे भी PIC के 100 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट स्केलिंग में लेवल 0 में 0 to 10 वोल्ट के लिए स्केलिंग 0 to 100 का किया हुआ है।